प्रिय विद्यार्थियों वेलकम, स्वागत है आपका टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही की ऑनलाइन क्लासेज में। विद्यार्थियों आज हम बात करते हैं कक्षा 6, 7 और 8। कक्षा 6, 7 और 8 के जो कॉमन विषय हैं व्याकरण की दृष्टि से, यानी कि कक्षा 6, 7 और 8 में जो व्याकरण के समान टॉपिक हैं उन टॉपिकों की अपन चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 टॉपिक है विद्यार्थियों भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। ये किसके टॉपिक हैं? ये व्याकरण के टॉपिक हैं। तो अब हम बात करते हैं कि व्याकरण क्या होती है। व्याकरण व्याकरण जो है वी धन आ धन करण के मेल से बनी है। वी धन आ धन करण बराबर व्याकरण। विद्यार्थियों बात करते हैं हम व्याकरण की परिभाषा की। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा में हम देखेंगे कि भाषा के संपूर्ण ज्ञान के लिए, भाषा के संपूर्ण ज्ञान के लिए जिनके सहयोग से, भाषा के संपूर्ण ज्ञान के लिए जिनके जिनके सहयोग से, जिनके सहयोग से शुद्ध पढ़ना लिखना, जिनके सहयोग से शुद्ध पढ़ना शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना, पढ़ना लिखना बोलना। व्याकरण की परिभाषा में हमने देखा कि भाषा के संपूर्ण ज्ञान के लिए जिनके सहयोग से शुद्ध पढ़ना शुद्ध लिखना या शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आता हो या आ जाए उसे व्याकरण कहा जाता है। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि भाषा के संपूर्ण ज्ञान के लिए जिनके सहयोग से शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आता हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। एक परिभाषा तो इसकी हो गई। दूसरी परिभाषा में हम बात करते हैं कि ऐसा शास्त्र जिनसे शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आदि आता हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो हमने इसकी बिल्कुल सीधी सी परिभाषा देखी है कि भाषा के संपूर्ण ज्ञान के लिए जिनके सहयोग से शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आता हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब बात करते हैं हम भाषा की कि भाषा क्या होती है। बात आती है भाषा, अब हम बात करते हैं भाषा की। तो समाज में रहने के कारण मनुष्य जो होता है उसको आपस में अपने मन के जो भी भाव हैं या जो भी विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए या दूसरे व्यक्ति के सामने रखने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और इसी माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा की व्युत्पत्ति की, भाषा की उत्पत्ति की। भाषा की व्युत्पत्ति की इसमें हम क्या देखते हैं कि भाषा शब्द जो है वह संस्कृत की भास धातु से बना है। भाषा जो शब्द है वह संस्कृत की भास धातु से बना है और भास धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाणी, व्यक्त वाणी।
और संस्कृत की कौन सी धातु से बना है? भास धातु। भाषा जो शब्द है वह संस्कृत की भास धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। अब हम बात करते हैं इस भाषा की परिभाषा की। और भाषा की परिभाषा का मतलब होता है कि भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहा जाता है। परिभाषा देगी कि भाषा की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत के भास धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। आगे हम देखते हैं भाषा की परिभाषा की कि व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा के प्रकारों की। आगे बात करते हैं हम भाषा के प्रकारों की, तो बात करते हैं भाषा के प्रकार। विद्यार्थियों, भाषा के मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार होते हैं। नंबर वन है मौखिक भाषा, नंबर टू है लिखित भाषा। एक भाषा और है जिसको पढ़े सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन भाषा के जो प्रकार हैं, जो मुख्य रूप से दो ही हैं। अगर क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो हमें आंसर बताना है भाषा दो ही प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन कभी कभी कक्षा 6-7 में यह भी पूछ लिया जाता है कि सांकेतिक भाषा से आपका क्या अर्थ है। सांकेतिक का मतलब होता है संकेतों के माध्यम से, अर्थात इशारे वगैरह करते हैं। जैसे अपने को खाना खाना है, हम अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी भूख लगी है, इधर ऐसे इशारा करते हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो जाता है? सांकेतिक भाषा हो जाती है। तो वैसे भाषा के दो रूप हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहली जो भाषा है वह है मौखिक भाषा, इसके बारे में अपन विचार करते हैं। नंबर वन जो है वह है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की हम बात करते हैं कि जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहा जाता है, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। विद्यार्थियों, मौखिक भाषा की परिभाषा बिल्कुल इजी है, सरल सी है, सीधी सी है कि जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे नंबर वन एग्जाम्पल देखते हैं मौखिक भाषा का कि नेताजी के भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी। नेताजी के भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी। किन नेताजी के भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी
इसमें हम क्या देखेंगे, यहां नेताजी का जो भाषण है वह मौखिक भाषा का उदाहरण है। नेताजी का जो भाषण है वह कौन सी भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा का उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं जो दूसरी भाषा है उसका नाम है लिखित भाषा। जो दूसरी भाषा है उस भाषा का नाम है लिखित भाषा। लिखित भाषा मौखिक का मतलब होता है बोलकर जिस भाषा को प्रकट किया जाता है, नाम से स्पष्ट है। और लिखित भाषा का मतलब जो है लिखकर, कहने का मतलब है कि जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। उसे लिखित भाषा कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें हमारे जो विचार हैं वो किस रूप में हम मिलेंगे? लिखित रूप में मिलेंगे। लिख करके हम अपने विचार जो है इसमें प्रकट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। परीक्षार्थी या विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। लिखित भाषा का एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि परीक्षार्थी या विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। इसमें हमने क्या देखा विद्यार्थियों कि यहां जो परीक्षार्थी हैं, यानी कि यहां जो विद्यार्थी हैं, उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल कर रहे हैं। इसके लिए वे भाषा के निश्चित चिन्हों का भी प्रयोग करेंगे, अतः यहां पर जो है वह लिखित भाषा होगी। अब हम बात करते हैं लिपि की। अब बात करते हैं हम लिपि की। लिपि विद्यार्थियों, जो लिपि होती है इसकी बात करते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। जैसे कोई भी भाषा होती है उसके जो चिन्ह होते हैं, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, वो लिपि के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है उस लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। लिपि जो होती है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है? लिखा हुआ। लिपि जो होती है उसका अर्थ होता है, लिपि का जो अर्थ है वह है लिखा हुआ। ये लिपि का अर्थ होता है। लिपि का अर्थ होता है लिखा हुआ। और लिपि की परिभाषा हमने क्या लिखी कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। और हिंदी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। आगे हम देखते हैं इस लिपि के संबंध में कुछ और भी बातें कि इस संसार सागर में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमें सबको पता है कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इस संसार सागर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। और हर भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि है। जैसे संस्कृत एवं हिंदी की जो लिपि है, अभी आपको मैंने बताया कि संस्कृत और हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की जो लिपि है वह रोमन लिपि है। उर्दू फारसी की जो लिपि है वह फारसी लिपि है।
और पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसको गुरुमुखी लिपि के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, इस लिपि की एक विशेषता और है। इस लिपि में लिखने की जो विधि है, कौन सी लिपि में? देवनागरी, जो कि हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है। इस देवनागरी लिपि को लिखने की एक विशेषता है, वो विशेषता कौन सी है कि इस लिपि में लिखने की जो विधि है वो बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी जाती है। देवनागरी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? ये हमारा, जैसे मैं बोर्ड की तरफ हूं तो ये मेरा बायां हाथ है और ये दायां हाथ है, तो देवनागरी जो लिपि होती है वो बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी जाती है और इसकी उल्टी होती है फारसी लिपि। इसकी उल्टी जो होती है फारसी लिपि, फारसी लिपि जो होती है वो दाईं तरफ से बाईं तरफ लिखी जाती है। जैसे इस लिपि की ही परिभाषा की बात करते हैं, इस लिपि की परिभाषा हमने क्या लिखी, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। यानी कि ये जो लिपि है, ये जो क है, ये लिपि के चिन्ह है, तो इसमें हमने हम परिभाषा जो लिख रहे हैं वो किधर से किधर लिख रहे हैं कि बाईं तरफ से दाईं तरफ लिख रहे हैं। और फारसी जो लिपि होते हैं उसमें क्या लिखा जाता है कि ये बात इधर से इधर, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। ये जाता है जो इधर आया है, ये मतलब ये इधर जाएगा और ये बातें जो है इधर आएगी। देवनागरी लिपि में लिखने की जो विधि है बाईं तरफ से दाईं तरफ है और इसकी उल्टी लिपि है फारसी, इसमें दाईं तरफ से बाईं तरफ है। अगली जो एक और भाषा है, अभी मैंने बात की थी, जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। जो तीसरी भाषा है उस भाषा का नाम है सांकेतिक भाषा। इस भाषा के बारे में भी अपने विचार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना ही, संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना ही सांकेतिक भाषा होती है। इसमें क्या है, संकेतों के माध्यम से, संकेतों के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है, सांकेतिक भाषा होती है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, उसको हम संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, जिस इशारे के माध्यम से अपने बात करेंगे या इशारे इशारे में उसको कुछ कहना चाहेंगे और वो उन बातों को समझ भी जाएगा, तो ये सांकेतिक भाषा है। जैसे किसी को चुप रहने के लिए अगर हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, मुंह पे अंगुली रखेंगे और इशारा करेंगे कि चुप रहने के लिए, हम मुंह पर अंगुली रख करके इशारा करते हैं कि चुप हो जाओ बोलना नहीं है, जैसे ऐसे कि चुप हो जाओ बोलना नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखें, शहर का जो भी चौराहा है जिसमें चार रास्ते जाते हैं, उस पे अगर कोई पुलिसकर्मी खड़ा है, कोई सिपाही खड़ा है और वाहनों को रुकने या चलने का इशारा करता है, जैसे मान लीजिए कि ये चौराहा है, इसमें चार रास्ते जा रहे हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पे खड़ा है, एक गाड़ी वाले को इशारा करता है कि रुकिए, ऐसा करता है तो इसका मतलब है आपको रुकना है, और दूसरी गाड़ी वाले की तरफ इशारा करता है कि ऐसे कि आपको चलना है। तो ये जो भाषा का जो रूप है, यानी कि संकेतों के माध्यम से व्यक्ति दूसरे को समझाने का प्रयास करता है, तो वह कहलाती है सांकेतिक भाषा। तो विद्यार्थियों, आज हमने एक कॉमन टॉपिक है, भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। इससे हमने व्याकरण पढ़ा, भाषा पढ़ी, लिपि पढ़ी, और भी लिपि के बारे में भी और पढ़ेंगे, बोली रह गई। कहने का मतलब है इस टॉपिक में अभी और कुछ अपने को पढ़ना है। आज हमने जो पढ़ा वह है भाषा के प्रकार देखे, मुख्य रूप से भाषा के दो ही प्रकार हैं, लेकिन सांकेतिक भी
उस भाषा के प्रकारों में आता है, संकेतों के माध्यम से या इशारों के माध्यम से हम एक अपनी बात दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं या बताने का प्रयास करते हैं, बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ बोले हुए, अपनी आँखों से, अपने हाथों से, इशारों के माध्यम से बताने का जो प्रयास करते हैं वो सांकेतिक भाषा है। अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए।